तो आज मेरे फ्रेंड्स आपको बताने वाली हूँ ये वाला डिज़ाइन। सबसे पहले हमने यहाँ पर दो सलाइयाँ, एक सीधी और एक उल्टी बना ली है। उसके बाद हम अपना डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। इस डिज़ाइन को शुरू करने के लिए हम दो फंदे रेड कलर की ऊन से लेंगे और दो फंदे हम वाइट कलर की ऊन से लेंगे, जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसी तरह से हम दो फंदे रेड कलर की ऊन से लेंगे और फिर दो फंदे वाइट कलर की ऊन से लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दो फंदे वाइट से लेंगे और दो फंदे रेड से बुनेंगे। इसी प्रकार ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट सिलाई पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सिलाई, जैसा कि हमने हमेशा की तरह बताया है कि पहला फंदा हम हमेशा उतारेंगे। हम हर सिलाई में पहला फंदा उतारेंगे, जिससे कि पहला फंदा लूज़ ना हो, और दूसरा फंदा हम वाइट कलर की ऊन से बुनेंगे। पीछे उल्टी सिलाई में हम वैसे बुनेंगे जैसे जैसा धागा हमें दिख रहा है, मतलब जैसी ऊन हमें दिख रही है हम उसी धागे से बुनेंगे। दो रेड से, दो वाइट से, दो रेड से और दो वाइट से। इसी तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट करते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट सिलाई पर। तो अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट सिलाई पर। नेक्स्ट सिलाई हम पूरी सीधी लेंगे वाइट कलर की ऊन से। ये सिलाई हम पूरी सीधी लेंगे वाइट कलर की ऊन से। देखिए इस तरह से सारे फंदे वाइट लेंगे, पूरी सिलाई वाइट भी बुनेंगे। इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट सिलाई पर आते हैं। इसके पीछे जो सिलाई है उसे हम उल्टा, ये हमने वाइट यहाँ अपनी दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं वाइट कलर की ऊन से, एक सीधी और एक उल्टी। अब हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। डिज़ाइन शुरू करने के लिए हम दो फंदे वाइट कलर की ऊन से लेंगे, फिर एक फंदा रेड कलर की ऊन से लेंगे। ये देखिए, दो फंदे वाइट कलर की ऊन से लेंगे और एक फंदा रेड कलर की ऊन से लेंगे। इसी तरह से इस पूरी लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। दो फंदे वाइट से, एक रेड से। इसे कंटिन्यू करते हैं। फिर देखते हैं हम अपनी पीछे की सिलाई। अब हम यहाँ पीछे की सिलाई पर आ गए हैं। ये वाली रो हम पूरी उल्टी लेंगे। इस रो में जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है हम उसे वैसे ही बुनेंगे। तो पहला हम हमेशा की तरह उतारेंगे, दूसरा वाइट, तीसरा फंदा हम वाइट के ऊपर से क्रॉस करके रेड बुनेंगे, फिर दो वाइट बुनेंगे, उसके बाद हम फिर से एक रेड बुनेंगे। इसी तरह हम इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट सिलाई देखते हैं हम कैसे बुनेंगे। अब हम नेक्स्ट सिलाई पर आ गए हैं। नेक्स्ट सिलाई हम पूरी वाइट से निकालेंगे। ये सिलाई हम पूरी वाइट ऊन से सीधी बुनेंगे। इसके बाद हम पूरी उल्टी सिलाई वाइट कलर की ऊन से ही बुनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर वाइट कलर का बेस रखा है, इसलिए हम इसे दो सिलाइयाँ वाइट से बुनेंगे निकालेंगे। क्योंकि हम फिर अब ये हमने वाइट में रेड का डिज़ाइन डाला है, अब हम रेड में वाइट कलर का डिज़ाइन डालेंगे। तो अब हम दो सिलाइयाँ, दो रो जो है रेड कलर से बुनेंगे। पहली रो सीधी बुनेंगे, दूसरी उल्टी बुनेंगे। इसे हम कंप्लीट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट अपने डिज़ाइन पर आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो सीधी, पूरी सीधी बनेंगे। सेकेंड रो पूरी उल्टी बुनेंगे।
नेक्स्ट रो पर आ गए हैं। नेक्स्ट रो हम पूरी उल्टी बुनेंगे राइट करके ऊन से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन बन रहा है। अब हम नेक्स्ट सिलाई पर आते हैं। इसमें फंदे हम दो। रेड से बुनेंगे और एक वाइट से, क्योंकि हम यहाँ वाइट का डिज़ाइन डाल रहे हैं, इसलिए हम एक फंदा वाइट का बुनेंगे, दो रेड का। देखिए इस प्रकार, फिर दो रेड से, फिर एक फंदा वाइट से बुनेंगे। इसी तरह इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब हम पीछे की रो पर आ गए हैं। पीछे की रो में हम हमेशा की तरह पहला फंदा उल्टा लेंगे, उसके बाद हम जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे हम वैसा ही बुनेंगे। दो रेड धागे से, एक वाइट धागे से, दो रेड धागे से, एक वाइट धागे से। इसी तरह हम अपना डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। नेक्स्ट रो हम पूरी रेड कलर की ऊन से लेंगे, पूरी रेड कलर की ऊन से सीधी बुनेंगे। अगर मेरा ये पैटर्न दोस्तों आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए, जिससे हमारी क्लासेस रेगुलर बनी रहें। फिर हम नेक्स्ट सिलाई पर आ गए हैं। तो नेक्स्ट सिलाई फ्रेंड्स, हम हमेशा की तरह उतारेंगे एक फंदा और ये सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। इस सिलाई को हम पूरा बुनेंगे उल्टा। यहाँ फ्रेंड्स, हमने पहले वाइट कलर का बेस लिया, फिर रेड कलर का बेस लिया, अब हम फिर से वाइट कलर का बेस लेंगे, उसके बाद फिर हम रेड कलर का बेस लेंगे। अब नेक्स्ट वाइट कलर के बेस में हम ये जो हमने नीचे सबसे नीचे दो रेड दो वाइट, दो रेड दो वाइट लिए हैं वो नहीं बुनेंगे। जिस प्रकार हमने रेड कलर के बेस में बुना है उसी तरह से बनाएंगे। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसको दोबारा से समझा सकूँ।